बुलंदशहर में एक शादी समारोह में पथरा मातम, वर वधु के झगड़े में हुई मौत, मामले में चार लोग गिरफ्तार। देवरिया में ठेकेदारों से नहीं संभल पा रहा तिरंगा, अमृत महोत्सव सत्र में हुआ तिरंगे का अपमान, डामर गिट्टी मशीन पर लगा तिरंगा। और फिरोजाबाद में लूट हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 50,000 का लगाया जुर्माना, 32 साल पहले दो लोगों को मारी थी। नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, सिद्धार्थनगर से आ रही है। जान से मारने की मिली धमकी, ब्रजभूषण पांडे का नाम लेकर धमकी, पिछले महीने ही जेल से बाहर आया है आरोपी, रंगदारी के मामले में गया था जेल। और पीड़ित ने लगाए ब्रजभूषण पांडे पर आरोप, आरोपी ब्रजभूषण के खिलाफ कई मामले हैं दर्ज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, ब्रजभूषण पांडे का नाम लेकर धमकी दी गई है, पिछले महीने ही जेल से बाहर आया है आरोपी, रंगदारी के मामले में जेल गया था, पीड़ित ने लगाया ब्रजभूषण पांडे पर आरोप। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सिद्धार्थनगर से बता रहे, जहां पर जान से मारने की धमकी मिली है और ब्रजभूषण पांडे का नाम लेकर यह धमकी दी गई है, पिछले महीने ही ब्रजभूषण पांडे जेल से बाहर आया, रंगदारी के मामले में जेल में गया हुआ था, पीड़ित ने लगाए ब्रजभूषण पांडे पर धमकी देने के आरोप। तो सिद्धार्थनगर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर ब्रजभूषण पांडे का नाम लेकर जान से मारने की धमकी दी गई है। बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान वर और वधु पक्ष के दरमियान झगड़ा हो गया, जिसमें बीच बचाव करते समय एक व्यक्ति की मौत हो गई। मामले में मृतक के पुत्र की तहरीर के आधार पर चार आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। ये तस्वीरें बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं, जहां पर वर और वधु पक्ष में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद बीच बचाव करने गए एक शख्स की मौत हो गई। मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें बुलंदशहर से, जहां पर शादी समारोह की खुशियां मातम में बदल गई, वर और वधु के झगड़े में एक की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के बेटे ने पुलिस में शिकायत दी और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र से आज रात 10-11 बजे करीब सूचना आई थी कि एक शादी के फंक्शन में मार्केट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मौके पर पहुंचने पर यह पता चला कि मधुबन मार्केट हॉल, जो कि खालसा तिराह पर है, वहां पे लड़का पक्ष और लड़की पक्ष में डीजे को लेकर कुछ विवाद हो गया था। इसी में एक व्यक्ति जो है अजय पुत्र छत्रपाल, उम्र करीब 40 वर्ष, जो लड़की पक्ष से सपरिवार गए थे शामिल होने, वो बीच बचाव करने पहुंचे थे और इसी में उनको चोट लगी, उनकी गुम चोट थी। उन्हें जब अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। खबर देवरिया से है, जहां खुकुंदू गडेर मार्ग पर रिपेयरिंग का काम चल रहा था, रिपेयरिंग को पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार करवा रहे हैं। रिपेयरिंग साइट पर जहां पर डांबर गिट्टी मिक्सचर मशीन पर तिरंगा लगा है, जो कि फट चुका है, यदि ठेकेदार राष्ट्रीय ध्वज को नहीं संभाल पा रहे तो अपने काम को कैसे संभालेंगे। देवरिया की खबरें आप बता रहे हैं, जहां पर अमृत महोत्सव सत्र के दौरान तिरंगे का अपमान देखने को मिला है। डामर गिट्टी मिक्सचर मशीन पर तिरंगा लगाया गया है और तिरंगा भी कई जगह से फट चुका है, जिसके बाद अब आरोपियों लगे हैं अधिकारियों पर, ठेकेदारों से नहीं संभल पा रहा तिरंगा। ये तस्वीरें आपको देवरिया से दिखा रहे हैं, जहां पर डामर गिट्टी मिक्सचर मशीन पर तिरंगा लगाया गया है और तिरंगा भी फटी हुई हालत में यहां पर है। और तिरंगे के अपमान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ठेकेदार
पर ये आरोप लग रहे हैं कि जब वो तिरंगे को ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर काम को यहां पर वो कैसे संभालेगा। फिरोजाबाद के एंटी डकैती कोर्ट और अपर जिला सत्र न्यायालय ने 29 साल पुराने डकैती के मामले में सुनवाई की है और मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा ना करने पर 1-1 साल की अतिरिक्त सजा यहां पर आरोपियों को भी भुगतनी पड़ेगी। बता दें कि इस मामले में 4 लोगों की हत्या हुई थी और मामले में 6 अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसमें से 3 की मौत हो चुकी है और 1 आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। फिरोजाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर 29 साल पहले 4 लोगों की मौत के मामले में 2 लोगों को सजा सुनाई गई है और लूट और हत्या कि 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में 6 आरोपी थे जिनके नाम दर्ज किए गए थे, जिनमें से 3 की पहले ही मौत हो चुकी है, 1 अभी भी फरार चल रहा है और जो 2 पकड़े गए थे जिन पर कार्रवाई जारी थी अब उनको कोर्ट ने सजा सुनाई है, आजीवन कारावास की सजा मिली है। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और अगर 50,000 रुपए ये लोग नहीं देते हैं तो 1-1 साल की अतिरिक्त सजा भी इनको भुगतनी पड़ेगी। फिरोजाबाद से आपको एक और बता रहे हैं जहां पर कोर्ट ने 29 साल पहले 4 लोगों की हत्या मामले में अपना फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। प्रदेश शासन की मंशा के अनुसार जिलाधिकारी फिरोजाबाद और एसएसपी फिरोजाबाद के नेतृत्व में माननीय जिला जज हरवीर सिंह के नेतृत्व में जनपद न्यायालय में जो सजाओं का ग्राफ बढ़ाया उससे पूरे उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले से एक जनपद न्यायालय से एक संदेश गया है कि अपराधी कोई भी सही वो बचेगा नहीं। इसी क्रम में आज 1994 के एक मामले में घर में घुसकर लूट की थी, डकैती डाली थी जिसमें 4 लोगों की हत्या हुई थी और 5 लोग इंजर्ड हुए थे। 5 लोग इंजर्ड हुए थे उसमें 6 लोगों के खिलाफ फरारी में चार्जशीट दाखिल हुई। उसके उपरांत सीबीसीआईडी में विवेचना होने के पश्चात अभियुक्तों को 6 को दोषी माना गया और दोषी मानते हुए उसमें विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में आया और न्यायालय के बाद साक्ष्यों के साक्ष्य चले और साक्ष्य के अभाव में 3 लोगों की मृत्यु हुई साक्ष्य के दौरान और 1 व्यक्ति फरार है। इसमें 2 व्यक्तियों को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। खबर मैनपुरी से है जहां तहसीलदार ने एक हिस्ट्री शीटर के मकान को सील कर दिया है। सील किए गए मकान की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कस्बा कुसमरा के रामनगर रोड निवासी रोमी यादव एक शराब माफिया है। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज है जिस पर पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। वहीं इससे पहले उसका फरार घोषित किया गया था। गिरफ्तार न होने के बाद न्यायालय ने कुर्की करने के आदेश दिए थे जिसके तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस शराब माफिया के घर को सील करने पहुंची और उसे सील कर दिया गया। मेनपुरी से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर शराब माफिया की संपत्ति को सील किया गया है और गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। शराब माफिया के मकान को सील किया गया है। 50 लाख रुपए इस मकान की कीमत बताई जा रही है। दरअसल ये शराब माफिया फरार चल रहा था जिसके बाद कोर्ट ने संपत्ति की कुर्की के आदेश दिए थे और पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए इस शराब माफिया के मकान को सील कर दिया है। जिस मकान को सील किया गया है उस मकान की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। ये रोमी यादव है जो शराब माफिया है, इसकी इस पे गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा था और 14 गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत इसकी 53 लाख कुछ हजार की संपत्ति है जो चिन्हित की गई थी उसको कलपुर किया गया है। इसमें पुलिस द्वारा
खबर मिर्जापुर से है, जहां कछुआ थाना क्षेत्र के बरैनी घाट पर गंगा में स्नान करते समय दो युवक में से एक युवक डूब गया। बता दें कि भदोही जिले के आकाश पाल और उमेश मौर्य अपने मित्रों को यूपी बोर्ड की परीक्षा दिलाने आए थे। उनके सेंटर में जाने पर दोनों साथी गंगा स्नान के लिए बरैनी घाट पर आ गए। दोनों स्नान करने के लिए पानी में उतरे, इस बीच पानी में खेलते हुए दोनों गहरे पानी की ओर चले गए। युवक को डूबता देखकर मछुआरों ने उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने उमेश को तो बचा लिया, लेकिन आकाश पानी में डूब गया। फिलहाल अभी मृतक का शव बरामद नहीं हुआ है। मिर्जापुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गंगा में नहाने गए दो युवकों में से एक युवक की डूबने से मौत हो गई है। अभी तक मृतक का शव नहीं मिल पाया। बताया जा रहा है कि दोनों अपने साथियों को एग्जाम दिलाने के लिए आए थे, और जब इनके साथी एग्जाम सेंटर के अंदर पहुंचे तो वक्त बिताने के लिए ये लोग गंगा किनारे पहुंचे और नहाने लगे। नहाते नहाते ये लोग गहरे पानी की तरफ पहुंच गए, जिसके बाद ये डूबने लगे तो मछुआरों ने देखा, और जब मछुआरे इनको बचाने पहुंचे तो एक साथी को बचा लिया गया, जबकि दूसरा साथी नहीं बच पाया और डूबने से उसकी मौत हो गई। मामला पुलिस तक पहुंचा, मौके पर पहुंची पुलिस और बचाव दस्ता पहुंचा, और जिसके बाद दूसरे दोस्त के शव को ढूंढने की कोशिश लगातार जारी है। थाना कछवा अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई सुबह 10 बजे करीब कि ज्ञानपुर से जनपद भदोही से दो लोग आए थे एग्जाम दिलाने कछवा, बच्चों को एग्जाम हॉल में छोड़ के वो लोग बरैनी घाट पे, जो कि भटौली कछवा में आता है, वहां पर स्नान करने आए हुए थे। उन दो व्यक्तियों को डूबने की सूचना मिलती है, जिसमें से आकाश पाल पुत्र अवधेश पाल, जो कि थाना ज्ञानपुर भदोही का रहने वाला है, वो डूब गया है, और दूसरा व्यक्ति जिसको उमेश पाल सना राजेंद्र पाल ज्ञानपुर थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही, उसको बचा लिया गया है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम को बुला लिया गया है, और लाइन की कोई समस्या नहीं। लालगंज कोतवाली में एक बुजुर्ग दलित की हत्या कर उसके हाथ पैर रस्सी से बांधकर हत्यारों ने नदी में फेंक दिया, जिसके बाद नदी में शव को तैरता देख इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया। फिलहाल शव की पहचान होने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और बता दें साथ ही परिजनों की तहरीर के आधार पर भी शिकायत दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना लालगंज के गांव कैथोला के पास सई नदी में आज एक वृद्ध व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ, जिस पर स्थानीय पुलिस बल मौके पर गया। शव को निकालकर पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। यह इनकी पहचान हो गई और ये ग्राम रायपुर तियाई के रहने वाले हैं, और जो पिछले 3-4 दिनों से गायब थे, और इनके संबंध में उनके परिजनों ने मिसिंग थाना लालगंज पर दर्ज कराई थी। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ से जुड़ा मामला सामने आया है, जहां बीती रात महावीर गार्डन पसौंडा निवासी मुस्तकीम ने अपनी पत्नी को साथी यूसुफ और पहली पत्नी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पत्नी को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया है। बता दें कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गाजियाबाद से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर महिला की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। 3 लोगों की यहां पर गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। थाना टीलामोड़ क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला को उसके पति के द्वारा चाकू से हमला कर दिया गया है। महिला को उपचार हेतु जीडीबी हॉस्पिटल रेफर किया गया था, जहां पे उसकी दौरान उपचार मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाना टीलामोड़ पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, और उसमें 3 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कि पहला अभियुक्त है मुस्तकीम पुत्र इन्ना शाह निवासी टीलामोड़, दूसरा अभियुक्त है यूसुफ पुत्र इन्ना शाह निवासी टीलामोड़, और एक महिला अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि पिछली तारीख को कोर्ट में अधिक कार्य होने की वजह से 23 फरवरी तारीख मिली थी, जिसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है।
रिवीजन दावे में विवादित स्थल की सर्वे प्राथमिकता से सुनवाई की मांग रखी थी। वादा प्रतिवादी की बहस पिछली तारीख में पूरी हो चुकी है। आज एडीजी 6 की अदालत सिविल जज सीनियर डिवीजन के लिए आदेश करेगी कि पहले विवादित स्थल के सर्वे पर सुनवाई हो और कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि कोर्ट कमीशन भेजा जाए। और गाजियाबाद से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस कमिश्नरी में बनेगा साइबर सेल थाना। पुलिस लाइन में चिन्हित की गई जमीन पीडब्ल्यूडी बनाएगा बहुमंजिली इमारत। साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को लेकर फैसला, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को लेकर यह फैसला लिया गया है कि गाजियाबाद की पुलिस कमिश्नरी में साइबर सेल थाना बनाया जाएगा। पुलिस लाइन में जमीन जो है चिन्हित कर ली गई है, पीडब्ल्यूडी बहुमंजिली इमारत बनाएगा। साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखकर यह फैसला लिया गया है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस कमिश्नरी में बनेगा साइबर सेल थाना। पुलिस लाइन में चिन्हित की गई जमीन पीडब्ल्यूडी बनाएगी बहुमंजिली इमारत। साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को लेकर यह फैसला लिया गया है। पुलिस लाइन में चिन्हित की गई जमीन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर पुलिस कमिश्नरी में साइबर थाना बनाया जाएगा। साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को लेकर यह फैसला लिया गया है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस कमिश्नरी में बनेगा साइबर सेल थाना। उन्नाव में महिलाओं के साथ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 24 घंटे में अलग अलग थाना क्षेत्रों में दो युवतियों की हत्या के मामले सामने आए हैं। बता दें, उन्नाव के औरास थाना में युवती की बलात्कार के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपराधियों को पकड़कर सजा दिलाने की बात कही है, लेकिन इस घटना के चंद घंटों बाद ही सफीपुर कोतवाली के परियर इलाके में कक्षा 9 की छात्रा का शव सड़क किनारे झाड़ियों में मिला है। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि युवती की हत्या की गई है। उधर हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। साथ ही पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। मैनपुरी के बरनाल थाना क्षेत्र के नंगला नाधा गांव में डुप्लीकेट टाटा कंपनी का नमक बन रही फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने फर्जी फैक्ट्री से लाखों रुपए का नमक बरामद किया है। वही फैक्ट्री संचालक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। साथ ही साहिबाबाद की दो दुकानों से भारी मात्रा में टाटा कंपनी के नाम का नमक बरामद किया गया है। उधर पुलिस ने फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैनपुरी की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर टाटा कंपनी के नाम से नकली नमक बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ यहां पर किया गया है और लाखों रुपए का नमक बरामद किया गया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां पर टाटा के नाम से कुछ लोग नकली नमक बनाकर बेच रहे हैं। टाटा मार्का की थैलियां बनाकर यहां पर नमक बेचे जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब वो फैक्ट्री पर पहुंची तो नमक तो बरामद कर लिया, लेकिन जो संचालक था वो मौके से फरार हो गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैनपुरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर टाटा कंपनी के नाम से फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, नकली नमक बनाकर यहां पर पैसों की तो उगाई करी जा रही थी, साथ में लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा था।
हमीरपुर के मुस्करा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने 6 वर्षीय मासूम को रौंद दिया, जिसके कारण मासूम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने रोड पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लखनऊ में अधिकारियों की लापरवाही से लगातार अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है, जहां पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हंसखेड़ा चौकी के पास बने तालाब को मौत का कुआं बनाया जा रहा है। रात होते ही मिट्टी की अवैध की जा रही कटाई हो रही है। वहीं इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने मौके पर पहुंचकर मिट्टी भरे डंपर को सीज किया। इसके साथ ही खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां लगातार अवैध कार्य करने वालों पे शिकंजा कस रहे हैं, लेकिन वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पारा क्षेत्र में, जहां लगातार अवैध रूप से खनन चल रहा है और बीते ही कुछ महीने पीछे खनन को लेकर के काकोरी सर्किल में कई ऐसी हत्याएं हुई जो खनन के संबंधित थी, जिसपे मंडलायुक्त रोशन जैकब ने उस मामले के पूरे संज्ञान में लेते हुए कई लोगों पे जो खनन माफिया हैं उन पे कार्रवाई भी कराई और अभी भी जांच जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये खनन विभाग की लापरवाही और स्थानीय पुलिस की लापरवाही से आए दिन रोज आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये एक तालाब है, जहां पे बीते कुछ महीने पहले सरकारी कार्य को लेकर के यहाँ पे खनन हुआ था, लेकिन अब जो खनन हो रहा है वो पूरी तरह से अवैध रूप से हो रहा है और रात होते ही यहाँ लगातार डंपर दौड़ते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा है, जिसपे स्थानीय पुलिस कोई भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और खनन माफियाओं के लगातार हौसले बुलंद हो रहे हैं कि जब कोई बड़ी घटना होगी तो सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा, लेकिन इन खनन माफियाओं पे कार्रवाई नहीं की जाती है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर इन खनन माफियाओं पे कब और कौन कार्रवाई करेगा। प्रदुम्ब और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए, देखते रहिए देश दुनिया की सभी खबरें।